असलकम मैं हूँ मुदसरूब आपका फ़िज़िक्स टीचर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर सिक्सटीन आल्टरनेटिंग करंट हमने प्रीवियस लेक्चर में आल्टरनेटिंग करंट के बिहेवियर को आ, समझा था आज हम डिस्कस करेंगे आर एम एस वैल्यू ऑफ आल्टरनेटिंग करंट वट इज़ आर एम एस वैल्यू इट इज़ एक्चुअली द एब्रीवेशन ऑफ रूट मीन स्क्र रूट मीन स्क्र वैल्यू ऑफ आल्टरनेटिंग करंट वट इज रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ आल्टरनेटिंग करंट द स्क्र रूट ऑफ द स्क्र रूट ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ वी स्क्र या आई स्क्र अगर हम वोल्टेज की आर एम एस वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो वो क्या होगा स्क्वेयर रूट ऑफ एवरेज ऑफ वी स्क्यर अगर हम करंट की मालूम करना चाहते हैं तो स्क्वेयर रूट ऑफ एवरेज ऑफ आई स्क्वेयर इज कॉल्ड आर एम एस वैल्यू यहाँ पर हम इस बात को समझेंगे कि हमने वी स्क्वेयर क्यों लिया और आई स्क्वायर क्यों लिया अगर वोल्टेज है तो वोल्टेज का स्क्वायर क्यों लिया करंट है तो करंट का स्क्वेयर क्यों लिया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हमने ये मैथड क्यों इस्तेमाल किया उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं यहाँ पर कंसीडर करें एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टर आर लगा हुआ है उस सर्किट को हमने ल्टरनेटिंग करंट से एक्साइट किया हुआ है अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया हुआ है और यहाँ पर इस सर्कट में आल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है वी नो दैट आल्टरनेटिंग करंट में पुलेटी हाफ साइकिल के बाद चेंज हो रही होती है तो हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये प्लस ये माइनस और नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये माइनस हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर यह पुलेल्टी बार बार चेंज होती रहेगी तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि अगर मैंने इस सर्किट के अंदर करंट को मैयर करना हो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को मैयर करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ अब अल्टरनेटिंग करंट तो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा होता है हमने प्रीवियस लेक्चर में इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ़ अल्टरनेटिंग डिस्कस की थी व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आई इज़ इक्वल टू आई साइन टू पाई एफ टी कंप्लीट एक साइकल में अपनी वैल्यूज़ को चेंज करता रहता है यहाँ पर हम एक सर्कट डिस्कस करते हैं इस सर्कट में एक रेजिस्टर आर लगा हुआ है और एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स लगा हुआ है यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट सोर्स की पोलैरिटी बार बार चेंज होती रहेगी जिसकी वजह से इस सर्किट में गुजरने वाला करंट भी बार बार चेंज हो रहा होगा अगर मैंने इस सर्किट में दौड़ने वाले अल्टरनेटिंग करंट को मैयर करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा मैं यहाँ पे कोई ना कोई एम मीटर लगा दूँगा उससे मुझे करंट की वैल्यू आ जाएगी वो मीटर वो नॉर्मली जो वैल्यूज़ देगा वो वैल्यूज़ तो बार बार चेंज हो रही होंगी यहाँ पर करंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ भी हो रही है डिक्रीज भी हो रही है रिवर्स डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रही है फिर ज़ीरो के अप्रोच कर रही है अगर यहाँ पर 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का सोर्स लगा हुआ हो तो बहुत तेज़ी से वैल्यूज़ चेंज हो रही होंगी यहाँ पे कंसीडर कर लें कि कोई मीटर लगा हुआ है जो कि हमें वैल्यूज़ दे रहा है तो यहाँ पर वैल्यूज़ इंक्रीज़ भी कर रही हैं और डिक्रीज़ भी कर रही हैं कभी कोई वैल्यू होगी कभी कोई वैल्यू होगी हर इंस्टेंट वैल्यू चेंज हो रही होगी तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को मैयर करने वाला मीटर मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता उसका हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होगा हमने उसकी अगर वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये चेंज आ रहा है इंक्रीज और डिक्रीज़ हो रहा है वैल्यू में तो इसका मेरे पास यही हल है कि मैं इसकी एवरेज कैलकुलेट कर लूँ मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक करंट जा रहा होता है तो इसका यही हल है कि मैं ये एवरेज वैल्यू इसकी कैलकुलेट कर लूँ एवरेज वैल्यू का कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या तरीक़ा है ये एक कंप्लीट एसी साइकिल है जिसमें वाई एक्सिस पर करंट लिया हुआ है और एक्स एक्सिस पर टाइम अब टाइम के लिहाज से करंट की वैल्यू में चेंज आ रहा है पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा जीरो से करंट पहुंचेगा ज़ीरो से करंट पहुंचेगा वन अम्पेयर पे यहाँ पर उसके बाद करंट की वैल्यू इंक्रीज होकर पहुँचेगी टू अम्पेयर उसके बाद पीक वैल्यू आ जाएगी थ्री एम्पेयर यहाँ पर थ्री एम्पेयर उसके बाद थ्री एम्पेयर से डिक्रीज़ करना शुरू करेगी वैल्यू दोबारा कम होना शुरू होगी थ्री से दोबारा टू अम्पेयर और टू से दोबारा वन अम्पेयर पर वैल्यू आ जाएगी उसके बाद दोबारा ज़ीरो ज़ीरो से रिवर्स डायरेक्शन में माइनस वन रिवर्स डायरेक्शन में माइनस टू रिवर्स डायरेक्शन में माइनस थ्री अब ये माइनस डायरेक्शन को शो कर रहा है थ्री यहाँ पर इसकी क्या है एक्चुअली मैग्नीट्यूड है और उसके बाद फिर ये माइनस टू माइनस वन और फिर ये ज़ीरो अब मैंने इनकी इस पूरे साइकिल में एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एवरेज हमें कैलकुलेट करने का हमारे पास एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या तरीका कार है हमारे पास एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को अगर हम कैलकुलेट करें इस कंप्लीट साइकिल के लिए तो किस तरीके से करेंगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन तमाम वैल्यूज़ को तमाम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ को हम एड अप कर देंगे और नंबर ऑफ वैल्यूज़ से डिवाइड कर देंगे एवरेज लेने का यही फार्मूला हमारे पास है हमने क्या किया इस कंप्लीट साइकिल में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही थी हमने उन तमाम वैल्यूज़ को जमा कर लिया और उतनी तादाद पे डिवाइड कर दिया ज़ीरो यहाँ से पहली वैल्यू वन आई हमारे पास फिर टू आई फिर थ्री आई फिर थ्री से वैल्यू डिक्रीज हुई टू फिर वन और फिर ज़ीरो फिर ज़ीरो से माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एम्पेयर और फिर करंट मैक्सिमम तक पहुंचा, फिर उसके बाद दोबारा डिक्रीज़ करना शुरू किया माइनस टू माइनस वन और फिर यहाँ पर ज़ीरो इसकी जब हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है वन प्लस टू प्लस थ्री ये इंक्रीज कर रही थी उसके बाद डिक्रीज़ करना शुरू की थ्री से टू हुई टू से वन हुई वन से ज़ीरो फिर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री फिर माइनस थ्री रिवर्स डायरेक्शन में पीक वैल्यू है फिर इसके बाद ये माइनस थ्री और ये प्लस थ्री अब यहाँ माइनस थ्री के बाद माइनस टू हुई और माइनस वन और फिर ज़ीरो इन तमाम वैल्यूज़ का जब हम एवरेज लेते हैं तो एवरेज का एक्सप्रेशन कुछ इस अंदाज से बनता है हमने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दिया ये तमाम वैल्यूज़ काउंट करें तो बनती हैं ट्वेल्व अब यहाँ पर देखें कि इस एक्सप्रेशन में जितनी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज़ हैं यहाँ पर वन है तो यहाँ पर माइनस वन है यहाँ पर टू है तो माइनस टू है यहाँ पर थ्री है तो माइनस थ्री है टू माइनस टू वन माइनस वन जीरो जीरो यहाँ पर जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज भी हैं तो इट्स मीन यहां पर ये तमाम वैल्यूज एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगी जिसकी वजह से जो इस एक्सप्रेशन का एवरेज ऑफ एसी एवरेज ऑफ एसी वो क्या आएगा हमारे पास जीरो आएगा तो जब हम इस अल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए एम मीटर लगाते हैं तो वो एम मीटर एक्चुअली सिंपल एम मीटर होता है वो डी सी एम मीटर होता है जब जिस वक्त हम अल्टरनेटिंग करंट्स को मैयर करने के लिए ये मेथड रूट मीन्स के आरएमएस वैल्यू वाला मेथड हमने नहीं अपनाया हुआ था उस वक्त की बात बता रहा हूँ मैं कि उस वक्त सिंपल एम मीटर से जब हमने अल्टरनेटिंग करंट को मैयर किया वो एम मीटर एक्चुअली कौन सा एम मीटर था वो एम मीटर डी एम मीटर था अब जो डी सी एम मीटर होता है डायरेक्ट करंट को मैयर करने वाला एम मीटर वो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहा होता है वो कौन सी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा होता है एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहा होता है यहाँ जब हम इस अल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट में एम मीटर को डी सी एम मीटर को लगाएंगे वो वैल्यू कितनी देगा जीरो जीरो वैल्यू क्यों देगा क्योंकि जितनी पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी उतनी ही नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी इस एक्सप्रेशन के ज़रिए वैल्यू क्या आ रही होगी ज़ीरो तो मुझे इस सर्किट में करंट को मैयर करने के लिए ना तो मैं इंस्टेंटेनियस मीटर यूज़ कर सकता ना मैं यहाँ पे डी सी एम मीटर यूज़ कर सकता क्योंकि डी एम मीटर एवरेज मैयर करता है और ये वैल्यू ज़ीरो शो कर रहा होता है रीडिंग ज़ीरो शो कर रहा होता है लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं इसी सर्किट में कोई बल्ब लगा दूं यहाँ पर इस बल्ब का जो फिलामेंट था उस फिलामेंट के अक्रॉस फिलामेंट की रेजिस्टेंस होती है उस फिलामेंट के अक्रॉस जो पावर डिलीवर्ड हो रही थी या पावर डिसिपेशन हो रही थी यानी कि यानी कि बल्ब ग्लो कर रहा था इससे क्या मुराद है बल्ब के ग्लो करने से यहाँ पर जीरो रीडिंग शो हो रही है डी मीटर हमें बता रहा है कि सर्किट में करंट नहीं है ज़ीरो है लेकिन बल्ब ग्लो कर रहा है इससे मुराद क्या है कि हमारी कैलकुलेशन का तरीका कार गलत है यहाँ पर एवरेज लेना इसका इस सर्किट में करंट की वैल्यूज़ का एवरेज लेना वो कैलकुलेशन हमारी रॉन्ग है तो पावर तो डिलीवर हो रही है सर्किट में पावर एग्जिस्ट कर रही है तो पावर को अगर हम ऑब्जर्व करें पावर का एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पर जो इस बल्ब के ग्लो होने की रीज़न है पावर का एक्सप्रेशन हमारे पास होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर अगर वोल्टेज की बात करें तो V स्केर ओवर R तो जो पावर का एक्सप्रेशन जब हमने देखा आई स्क्र आर पावर एग्जिस्ट कर रही है क्यों एग्जिस्ट कर रही है आई का स्क्वेयर यहाँ पर करंट की स्क्वेयर वैल्यू है हम यहाँ पे जब करंट की तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर पुट करेंगे तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर पुट करेंगे तो हमारे पास पावर का एक्सप्रेशन जो है वो नॉन ज़ीरो होता है वो कैसे यहाँ पे जब हम एवरेज ऑफ पावर लेते हैं एवरेज ऑफ पावर हमने क्या किया इन तमाम पॉइंट्स पर इन तमाम पॉइंट्स पर इस सर्किट में जो करंट दौड़ रहा था उसका एक कंप्लीट साइकिल हमने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया हुआ है तमाम पॉइंट्स पे इस पॉइंट पे वन अंपेयर करंट था तो वन अंपेयर करंट आई वन इस करंट को मैं नाम दे दूं यहाँ पर मैं पावर पी वन बोल दूं यहाँ पर पी टू और यहाँ पर पी थ्री तो पी वन पावर क्या आएगी आई वन स्क्वेयर आर प्लस रेजिस्टेंस सर्किट की सेम है तो फिर दूसरे पॉइंट पे क्या आएगी पावर आई स्क्वेयर आई टू का स्क्वेयर इंटू आर प्लस तीसरे पॉइंट पे क्या आएगी आई थ्री स्क्वेयर आर अगर मैं इस कंप्लीट साइकिल में पॉइंट्स को अगर मैं इस कंप्लीट साइकिल में तमाम पॉइंट्स पर नॉमिनेशन कर दूं कि इस पॉइंट पर पावर पी वन है इस पॉइंट पर पावर पी टू है इस पॉइंट पर पावर पी थ्री है यहाँ पर पावर पी फोर पी फाइव पी सिक्स पी सेवन पी एट पावर नाइन्थ पॉइंट पावर टेंथ पॉइंट पावर एट अलेवेंथ पॉइंट एंड पावर एट ट्वेल्थ पॉइंट तो ये तमाम वैल्यूज़ को मैं इस एक्सप्रेशन में लिख दूँ एवरेज ऑफ पावर सिंगल वैल्यू की जब एवरेज ली करंट की तो वो ज़ीरो आ गई लेकिन पावर वाले एक्सप्रेशन में जब हमने पावर की एवरेज ली तो पावर वाले एक्सप्रेशन में करंट की स्क्वायर वैल्यू है जिसकी वजह से क्या होगा जो इस एक्सप्रेशन में नेगेटिव आने वाली वैल्यूज़ होंगी वो भी स्क्वेयर की वजह से पॉजिटिव हो जाएंगी इस पूरे एक्सप्रेशन में जो पॉजिटिव वैल्यू होंगी जो नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी वो भी स्क्वेयर हो जाएंगी यानी कि ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल था इसमें आने वाली वैल्यूज़ इसमें आने वाली वैल्यूज़ भी हमारे उसमें एक्सप्रेशन में पावर वाले एक्सप्रेशन में पॉजिटिव हो जाएंगी तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिला इससे हमें क्या क्ल्यू मिला कि यहाँ पर अगर हम करंट या वोल्टेज की स्क्वेयर वैल्यूज़ ले लें करंट या वोल्टेज की स्क्यर वैल्यूज़ ले लें तो हम करंट को आल्टरनेटिंग करंट को मैयर कर सकते हैं हमने आल्टरनेटिंग करंट को मैयर करने के लिए क्योंकि ये एक्सप्रेशन नॉन ज़ीरो था हमने आल्टरनेटिंग करंट को मैयर करने के लिए जो अपनी कैलकुलेशन का अंदाज़ है वो चेंज किया हमने क्या किया हमने एक कंप्लीट साइकिल में आने वाली वैल्यूज़ की स्क्र वैल्यू कंसिडर कर ली हमने यहाँ पर वोल्टेज या करंट की सिंगल वैल्यू की बजाय उसका स्क्वेयर वैल्यू स्क्वेयर कंसीडर कर लिया अब हम चलते हैं कैलकुलेट करने की तरफ फॉर अ कंप्लीट साइकिल एक कंप्लीट साइकिल में एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है और एक नेगेटिव हाफ साइकिल होता है अब यहाँ पर ज़ीरो मैं अगर मेन मेन चार वैल्यूज़ ले लूँ मिनिमम वैल्यू पीक वैल्यू वी नॉट फिर ज़ीरो फिर मैक्सिमम वैल्यू v नाट लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में और फिर ज़ीरो मैंने इस कंप्लीट साइकिल में अगर वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लिया जाए ये एक्चुअली जो मेथड है वो क्या है पहले हम लेते हैं वैल्यूज़ का स्क्वायर फिर हम लेते हैं उसकी मीन और फिर हम उसकी क्या ले लेते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं उसका रूट ले लेते हैं हमने यहाँ पर पहले स्क्वेयर लिया वैल्यूज़ का उसकी मीन वैल्यू ले ली यानी कि उसे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर दिया और फिर उसके बाद हमने उसका स्क्वेयर रूट ले लिया तो ये बन गया रूट मीन स्क्यर वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज या करंट यहाँ पर हम वोल्टेज की कैलकुलेशन कर रहे हैं अब ये जीरो का स्क्र जीरो ही रहेगा वी नॉट स्क्र प्लस वी नॉट स्क्यर बन जाएगा टू वी नॉट स्क्वेयेर डिवाइड बाई फोर यहाँ पर टू टू से कट जाएगा ये एक्सप्रेशन बनेगा स्क्वेयर रूट वी नॉट स्क्र ओवर टू यहाँ पर वी नॉट स्क्वेयर पे जब स्क्ेयर रूट अप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू रह जाएगी वी नॉट और यहाँ पर वन ओवर स्क्वेयर रूट टू एक्सप्रेशन बचेगा वन ओवर स्क्ेयर रूट टू की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है वो हमारे पास जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन के इक्वल होती है यहाँ पर वी आर एम एस क्या बन गया वी आर एम एस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन वी नॉट ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है जो आर एम एस वैल्यू है रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू वो क्या है ज़ीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज का जीरो पॉइंट सेवन ज़ीरो सेवन टाइम्स ये आर एम एस वैल्यू होती है सिमिलरली अगर हमने करंट के लिए निकालनी है तो करंट के लिए क्या होगा आई आर एम एस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन ज़ीरो सेवन आई नॉट ये uh, क्या है करंट के लिए एक्सप्रेशन आर एम एस वैल्यू रूट मीन स्वयर वैल्यू करंट वट इज़ मीन बाई इफेक्टिव वैल्यू इसी आर एम एस वैल्यू को हम इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की है वोल्टेज और करंट की आई आर एम एस या वी आर एम एस किसके इक्वल होती है आई आर एम एस इज टू जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ़ करंट आई नॉट तो ये जो वैल्यू है ये असल में इफ़ेक्टिव वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की इफेक्टिव वैल्यू तो इफेक्टिव वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये जो मैथड यूज़ किया है और वो जो वैल्यू हमारे आ, हमारे पास निकल आई अल्टरनेटिंग करंट की इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है इसको समझते हैं इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि अगर किसी सर्किट में मैं टेन एम्पेयर का आल्टरनेटिंग करंट लगाऊं वो हमें कितना वर्क करके देगा हमने क्या किया आल्टरनेटिंग करंट के हीटिंग इफेक्ट्स को कंपेयर कर लिया डायरेक्ट करंट के हीटिंग इफेक्ट से दोनों करंट हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट्स एक्चुअली पावर डिलीवर्ड है तो हमने एक इमर्शन रॉड ली और इमर्शन रॉड के जरिए पानी को गर्म किया यहाँ पर मेरे पास दो बकेट हैं एक बकेट में मैंने अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई किया जीरो से टेन एम्पेयर का और दूसरी बकेट में मैंने टेन एम्पेयर का डायरेक्ट करंट अप्लाई किया डी हम पहले अल्टरनेटिंग करंट के हीटिंग इफेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं जीरो से टेन एम्पेयर के अल्टरनेटिंग करंट ने जो पानी को गर्म किया वो सिक्सटी डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया कितने मिनट में यहाँ पे हम टाइम भी ऑब्जर्व कर लेते कितने मिनट में यहाँ पे हमने ऑब्ज़र्व किया टेन मिनट के अंदर सिक्सटी डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया अल्टरनेटिंग करंट ने टेन अम्पेयर करंट पर ज़ीरो से लेके टेन अम्पेयर करंट अल्टरनेटिंग करंट पानी को किस तरीके से गर्म कर रहा होगा ये अपनी ज़ीरो से लेके तमाम वैल्यूज़ पर पानी को हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा जीरो से लेके टेन्थ तक मैक्सिमम वैल्यू और फिर मैक्सिमम वैल्यू से दोबारा डिक्रीज करता हुआ जीरो पर आएगा और फिर ज़ीरो से रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम और फिर दोबारा जीरो को अप्रोच कर रहा होगा हर लम्हे किसी लम्हे ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू से पानी को गर्म कर रहा होगा किसी लम्हे ये करंट की मिनिमम वैल्यू से पानी को गर्म कर रहा होगा तो ये जो टोटल 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने में जो टोटल टाइम लेता है वो कितना लेता है 10 मिनट अगर हम इस बकेट के अंदर पानी को गर्म करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ वाटर पानी को गर्म करने के लिए 10 अंपेयर का डायरेक्ट करंट स्टीडी करंट लगा दें तो उस वक्त क्या रिज़ल्ट आते हैं 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने के लिए पानी को 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए जो डायरेक्ट करंट है वो सिर्फ 6 मिनट ले लेता है यानी कि डायरेक्ट करंट जल्दी पानी को गर्म कर रहा है मेन डायरेक्ट करंट यहाँ पर हर लम्हे अपनी कांस्टेंट वैल्यू यानी कि 10 एम्पेयर से ही पानी को हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है पानी के अंदर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है पानी को हीटअप कर रहा है हमने क्या करना है रिजल्ट्स को कंपेयर करना है हम रिजल्ट्स को कंपेयर करने के लिए बराबर करते हैं हमने यहाँ पर करंट की डायरेक्ट करंट की वैल्यू को कम करके देखा नाइन अम्पेयर किया तो यहाँ पर टाइम जो है वो हो गया हमारे पास सेवन मिनट हमने यहाँ पर मज़ीद कम किया यहाँ पर टाइम हो गया मान लो कि नौ मिनट हमने करंट को सेवन अम्पेयर करके देखा डायरेक्ट करंट को सेवन अम्पेयर कर करके देखा डायरेक्ट करंट को सेवन एम्पेयर करके देखा तो टाइम आ गया हमारे पास दस मिनट यहाँ पर हमने रिज़ल्ट को कंपेयर कर लिया कि अल्टरनेटिंग करंट 10 मिनट में 60 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करने के लिए कितना एम्पीयर करंट रिक्वायर कर रहा है जीरो से लेके टेन एम्पेयर करंट रिक्वायर कर रहा है लेकिन यही काम डायरेक्ट करंट सिक्सटी डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म कर रहा है दस मिनट में लेकिन सात एम्पेयर करंट पे। तो हम यहाँ पर कंपेरिजन करते हैं कि अगर इस वाले सर्किट में आल्टरनेटिंग करंट की बजाय इस वाले सर्किट में आल्टरनेटिंग करंट की बजाय डायरेक्ट करंट होता तो ये भी हमें टेन एम्पेयर की बजाय सात एम्पेयर में ही करंट को सात एम्पेयर पे ही पानी को गर्म करके दे देता तो यहाँ पे हमने रिजल्ट्स को कंपेयर किया यानी कि ये इफ़ेक्टिव वैल्यू है करंट की इफ़ेक्टिव वैल्यू सेवन एम्पेयर सेवन एम्पीयर करंट की क्या है इफ़ेक्टिव वैल्यू तो अगर हम इफेक्टिव वैल्यू को एक्सप्लेन करें तो किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं के इफ़ेक्टिव वैल्यू आल्टरनेटिंग करंट की आल्टरनेटिंग करंट की इफेक्टिव वैल्यू क्या है डायरेक्ट करंट की वो वैल्यू जो डायरेक्ट करंट की वो वैल्यू जो हमें आल्टरनेटिंग करंट के जितना वर्क करके दे डायरेक्ट करंट की वो वैल्यू सेवन एम्पेयर डायरेक्ट करंट की वो वैल्यू जो हमें अल्टरनेटिंग करंट के जितना वर्क करके दे वो क्या कहलाएगी इफ़ेक्टिव वैल्यू तो हम सेवन एम्पेयर को क्या बोल देते हैं इफ़ेक्टिव वैल्यू यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू का सेवन एम्पेयर यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं कि अगर मैं ट्वेंटी एम्पेयर का अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करूँ और रिज़ल्ट मेरे पास कुछ यूँ हो कि वो पानी को हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए सिक्सटी मिनट ले रहा हो तो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट करंट का 20 एम्पेयर अप्लाई करूँ डायरेक्ट करंट का 20 एम्पेयर अप्लाई करूँ तो वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पानी को गर्म करने में कितना टाइम लेगा वो जल्द गर्म कर देगा वो फॉर एग्जांपल 40 मिनट ले रहा है तो क्योंकि मैंने रिजल्ट्स को कंपेयर करना है तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर फोर्टी मिनट जो ले रहा है डायरेक्ट करंट 40 मिनट ले रहा है तो उसकी बजाय वो 60 मिनट ले तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा मैं करंट को कम करूंगा मैं अगर यहाँ पे अप्लाई कर दूँ 16 एम्पेयर तो वो टाइम लेगा फॉर एग्जांपल 50 मिनट दीज आर द रफ़ कैलकुलेशन अगर मैं करंट को मज़ीद कम करूँ 40 एम्पेयर तो मैंने देखा कि करंट तो टाइम कितना लगा 60 मिनट डायरेक्ट करंट के फोर्टीन अम्पेयर ने पानी को हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया साठ मिनट में ये रिज़ल्ट मैच हो गया किसके साथ अल्टरनेटिंग करंट के साथ कि अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर इस सर्किट में भी डायरेक्ट करंट होता तो ये ट्वेंटी एम्पेयर ना लेता बल्कि फोर्टी एम्पेयर में ही रिजल्ट दे देता 40 एम्पेयर में ही पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देता और टाइम लेता 60 मिनट तो हम इस जुमले को दोबारा रिपीट करेंगे वट इज़ आर एम एस वैल्यू वट इज़ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ आल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट की वो वैल्यू जो हमें आल्टरनेटिंग करंट के जितना वर्क करके दे आल्टरनेटिंग करंट के जितना वर्क करके दे डायरेक्ट करंट की वो वैल्यू जो हमें अल्टरनेटिंग करंट के जितना वर्क करके दे ये जो वैल्यू होती है ये जो इफेक्टिव वैल्यू होती है ये मैक्सिमम करंट का 70% परसेंट होती है 20 एम्पेयर का 70% परसेंट कितना होगा 14 एम्पेयर तो ये जो इफेक्टिव वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू मैक्सिमम करंट का 70% परसेंट होती है 20 एम्पेयर इस सर्किट में मैक्सिमम करंट की वैल्यू कितनी थी 20 एम्पेयर अगर हम इसकी इफेक्टिव वैल्यू कंसीडर करें उसे कंपेयर करके डायरेक्ट करंट के साथ कंपेयर करके इफेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करें तो 14 फोर्टीन एम्पेयर आई उस वैल्यू को अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो कितना है सेवेंटी परसेंट ऑफ मैक्सिमम करंट ट्वेंटी एम्पेयर का सेवेंटी परसेंट कितना होता है फोर्टीन एम्पेयर तो हम यहां पर कह सकते हैं कि आर एम एस वैल्यू इज़ द सेवेंटी परसेंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ़ करंट आई एम यहाँ पर दो पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं इट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन आई एम इट इज़ द वैल्यू ऑफ आई एट थीटा इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री ये कौन सा एंगल है ये क्वाइल का एंगल है आल्टरनेटिंग करंट सोर्स की जो क्वाइल है जब वो घूमते हुए फोर्टी फाइव एंगल पर होती है तो वो हमें कौन सी वैल्यू दे रही होती है मैक्सिमम वैल्यू का सेवेंटी परसेंट दे रही होती है तो इसलिए हम इसे बोल देते हैं आर एम एफ वैल्यू यहाँ पर हम एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इन स्क्वेयर वैल्यूज़ का एवरेज क्यों लिया और उसका स्क्वेयर रूट क्यों लिया जब हम ग्राफ में देखते हैं तो यहाँ पर ये जो ग्राफ बना हुआ है ये एक वोल्टेज का बना हुआ है अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ये इसकी ज़ीरो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है इसकी मैक्सिमम वैल्यू वी नॉट है जब हमने स्क्वेयर लिया एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जब हमने स्क्वेयर लिया तो ये वैल्यू दुगनी हो गई और ये इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा और यहां से नेगेटिव हाफ साइकिल वाली वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी यहां पर ये मैक्सिमम वैल्यू का ग्राफ वी नॉट स्क्वेयर आ गया लेकिन सर्किट में तो इतनी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही इसके लिए हमने क्या किया हमने इसकी एवरेज ले ली जब हम एवरेज लेते हैं तो एवरेज वैल्यू कुछ यहाँ पर आती है और वो क्या होती है हाफ वी नॉट स्क्र लेकिन फिर भी वैल्यू ज़्यादा है सर्किट में जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी उससे ज़्यादा है तो हमने इसका क्या लिया फिर स्क्वेयर रूट ले लिया जब हमने इसका स्क्यर रूट लिया तो वो वैल्यू कुछ यहाँ पर आई जब हमने स्क्वेयर रूट लिया तो उस वैल्यू को हमने क्या बोला आर जो कि सेवेंटी परसेंट था जो कि एग्जैक्ट सेवेंटी परसेंट था जो रिजल्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए वो वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई कब मिली जब हमने स्क्वेयर रूट ले लिया जब हमने इसका स्क्वेयर रूट लिया वैल्यूज़ का स्क्वेयर और फिर उसकी एवरेज और फिर उसका स्क्वेयर रूट तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई सेवेंटी परसेंट वैल्यू आ गई तो जब हमें आर एम एस वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो हम क्या करते हैं पहले वैल्यूज़ का स्क्यर लेते हैं और उसके बाद उसकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं और उसके बाद उसका रूट ले लेते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है सेवेंटी परसेंट ऑफ मैक्सिमम करंट